नाम फोर्नियल योजना पर जोशीमठ में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ के स्थायी निवासी हैलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार की चार धाम फोर्नियल योजना के अंतर्गत हैलंग से मारवाड़ी एक बाईपास का निर्माण किया जाना था, जिसकी यहां की जनता निरंतर 47 दिनों से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तहसील प्रांगण में धरना दे रही है। तो एक तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन देते दिखाई दे रही हैं। शंकराचार्य वासुदेवानंद का कहना है कि यदि यह बाईपास बनाया जाता है तो जोशीमठ की उपेक्षा होगी। उन्होंने बताया कि भगवान सिंह नरसिंह को काटकर बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 58 जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, वह जोशीमठ को छोड़कर हेलंग से सीधे मारवाड़ी होते हुए विष्णुप्रयाग ले जाने की योजना है, जिसका विरोध वहाँ की जनता कर रही है और मुझे भी उसमें आपत्ति है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मैं स्वागत करता हूँ, परंतु ज्योतिर्मठ छोड़ करके जाना उचित नहीं है। भगवान शंकराचार्य की तपस्थली, सिद्ध गुफा, असिद्ध अमर वृक्ष, उनके द्वारा संस्थापित ज्योतिर्मठ, नीचे भगवान नृसिंह जो पंचबद्री में से प्रमुख बद्री हैं, वृद्ध बद्री, नृसिंह बद्री, ध्यान बद्री और बद्री और भविष्य बद्री, उनका दर्शन किए बिना बद्रीनाथ का दर्शन पूर्ण नहीं होता है। और ज्योतिर्मठ की जनता का भारी रोजी रोटी का ह्रास हो रहा है। वहाँ की जनता पलायन कर जाएगी, धार्मिक महत्व सामाजिक महत्व का परित्याग करके मार्ग जो बनेगा वो उचित नहीं है। इस संबंध में मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करके आगे कार्य करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी से बात किया और सारी परिस्थिति को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं ज्योतिर्मठ की जनता के साथ हूं और मैं इस संबंध में अपनी पहल करूंगा। हमें आशा है भारत सरकार अपने विचारों को बदलते हुए ज्योतिर्मठ शहर से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 58 चलाएगा, एक तरफ से ले जाएगा, एक तरफ से वापस ले आएगा। आगे भगवान बद्रीनाथ की जय श्री कृपा।